बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। ऑर्गन, 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 ऑर्गन को उर्दू में क्या कहते हैं? हमारे जिस्म की आसा। हाँ, बहुत सारे। देखो अब ये हमारी ये बाजू के ऊपर पूरी खाल है ना, अगर ये खाल ना आती तो हम इसको बाजू कहते हैं। अब भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बकरा बकरे का गोश्त ले जाते हैं, भैंस का गोश्त ले जाते हैं, उसकी खाल उतर जाती है तो वो लगता है कि भाई कोई आजा था, वो तो गोश्त का एक टुकड़ा लगता है ना, लेकिन जब उसके ऊपर खाल लगती है तो वो नजर भी आ रहा होता है कि भाई ये मुंह है, ये सिंग है, ये कान है, ये टांगे हैं, लेकिन जब खाल उतर जाती है तो वो गोश्त लटक रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जिस्म को जो बनावट देती है चीज, जो चीज एक शेप देती है, वो क्या होता है? खाल। और खाल किससे मिलकर बनती है? सबसे पहले क्या होता है? बुलिया। क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है? अब ये भूलेगा तो नहीं? अब अगर ये नहीं भूलेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है जिस तरह मैंने कहा बुलिया का, मैं आपको पता ही नहीं था जिस्म में बुलिया का, अब पता चला पूरे जिस्म में कहां है बुलिया। पूरी खाल किस चीज की बनी हुई है? बुलिया। बुलिया पहले टिश्यू बनाता है, टिश्यू फिर खाल का बनाता है। तो ये हो गया बुलिया। अब आज बुलिया ही पढ़ाऊंगी मेरा तो रोशनी सर वो पढ़ाता सनलाइट रोशनी तो आप अच्छा चलो पढ़ाओ। अब बुलिया का पता लग गया ना भाई? क्या रोशनी रोशनी पढ़ाओ रोशनी। ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको की बात है, आपको की बात है, आया की बात है, सही है की बात है। हथियार की छह ऐसी शाखें हैं जिनमें पौधों और नबातात और जानवरों का इकट्ठे जिक्र किया गया है। हथियार की छह ऐसी शाखें जिनमें दोनों की डिस्कशन की गई है दो तीन ब्रांचेज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी हो गया, उसमें खासतौर पर जानवरों का इलम के जानवरों के इलम के बारे में डिस्कशन की जाती है, बॉटनी हो गया उसमें पौधों के बारे में डिस्कशन की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमेबा वायरस बैक्टीरिया एल्गी फंजाई उनके बारे में डिस्कस की जाती है। इसके बाद हम वो छह ब्रांचेस पढ़ेंगे जिनमें पौधों और जानवरों के मुताबिक जैसा डिस्कशन की जाती है उनके मुताबिक पढ़ा जाता है। ठीक है, यदि आप सबसे पहले मॉर्फोलॉजी जो आपको अच्छा लगे जो आपको मुनासिब लगे वो लिखो, क्योंकि आप मेरा ख्याल उर्दू में पेपर दोगे ना आप बस केल्टर को नहीं, हम तो इंग्लिश में रख रहे बस केल्टर में, आप उर्दू में दोगे तो आप उर्दू में लिखो। मार्कोलॉजी बाबा जी।